नमस्कार स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विशाल स्टडी कॉर्नर में आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो रहेगा हमारा संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के एग्जाम जो आपके होते हैं उसमें बहुत बारी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कौन सा संग्रहालय कहाँ है या इसकी स्थापना कब की गई है और किसने की है तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा जिससे हर वीडियो आपको समय पर मिलती रहेगी तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं भूरी सिंह संग्रहालय तो देखिए भूरी सिंह संग्रहालय आपका चंबा जिले में है और इसकी स्थापना जो है राजा भूरी सिंह ने की है कब की है 1908 में ठीक है भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में है और इसकी स्थापना राजा भूरी सिंह ने 1908 में की है इस संग्रहालय में कांगड़ा और बसौली शैली की कला कृतियां रखी गई हैं इसमें राधा कृष्ण प्रसंगों पर कृतियाँ उपलब्ध है ठीक है तो ये था आपका भूरी सिंह संग्रहालय दूसरा हमारे पास यहाँ पर है नगर आर्ट गैलरी देखिए ये भूरी सीह संग्रहालय नगर आर्ट गैलरी और एक आपका अंद्रेटा ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और इनमें कंफ्यूज किया जाता है कि ये कहाँ पर है ठीक है तो देखिए नगर आर्ट गैलरी आपका कुल्लू के नगर में है ठीक है कुल्लू के नगर में और इसकी स्थापना की है निकोलस रोरिक ने स्थापना किसने की, की है निकोलस रोरिक ने इसे रोरिक आर्ट गैलरी भी कहा जाता है यानी कि आपकी नगर आर्ट गैलरी को रोरिक आर्ट गैलरी भी कहा जाता है वर्ष 2012 में निकोलस रोरिक आर्ट कॉलेज की स्थापना की गई ठीक है कब की गई 2012 में निकोलस रोरिक आर्ट कॉलेज की स्थापना की गई ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी तो देखिए भूरी सिंह संग्रहालय आपका चंबा में था जिसकी स्थापना राजा भूरी सिंहा ने 1908 में की थी नगर आर्ट गैलरी आपका कुल्लू के नगर में है जिसकी स्थापना निकोलस रोरिक ने की है और दो में निकोलस रोरिक आर्ट कॉलेज की स्थापना की गई है नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर अंद्रेटा आर्ट गैलरी तो देखिए अंद्रेटा आर्ट गैलरी आपके कांगड़ा जिला के अंद्रेटा में ही है ठीक है अंद्रेटा आपके अंद्रेटा में ही है यानी कि कांगड़ा जिला के अंद्रेटा में यहाँ शोभा सिंह की अनेक कृतियाँ रखी गई है बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि शोभा सिंह की कृतिया जो है कौन सी गैलरी में रखी गई है तो याद रखिएगा अंद्रेटा आर्ट गैलरी या आप इसे संग्रहालय कह लीजिए क्योंकि 2012 में इस आर्ट गैलरी को जो है संग्रहालय में बदल दिया गया था हम अभी देखेंगे ये पॉइंट तो देखिए इसे शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है ठीक है अंद्रेटा आर्ट गैलरी को शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट पॉइंट इसमें उमर ख्यान सोहनी महिवाल ये नाम बहुत बार आया कि सोहनी महवाल की प्रसिद्ध कृतियाँ ये कहाँ पर है आपकी अंदरिटा आर्ट संग्रहालय या अंदरिटा आर्ट गैलरी में है आपको ये बात भी यहाँ पर ध्यान रखनी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी स्थापना इसकी स्थापना जो है नोहरा रिचर्ड्स ने की है जो कि शोभा सिंह की पत्नी थी ठीक है और वर्ष 2012 में इस आर्ट गैलरी को संग्रहालय में बदला गया है कब बदला गया है 2012 में देखिए आपके पास 2012 में यहाँ पर दो चीज़ जो है अंदरिटा गैलरी को जो है संग्रहालय में बदला गया 2012 में और वर्ष 2012 में निकोलस रोरिक आर्ट कॉलेज की स्थापना की गई तो रोरिक आर्ट गैलरी किसको कहा गया था नगर आर्ट गैलरी को तो कहाँ पर है ये कुल्लू के नगर में स्थित है नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है स्टेट म्यूजियम देखिए स्टेट म्यूजियम जो है शिमला में है और इसकी स्थापना जो है 1974 यानी कि 1974 में की गई थी और देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है कांगड़ा कला संग्रहालय देखिए कांगड़ा के धर्मशाला में है कांगड़ा कला संग्रहालय आपका कांगड़ा के धर्मशाला में है और इसकी स्थापना जो है उन्नीस यानी नाइनटीन में की गई थी और नेक्स्ट आपका रहता है यहाँ पर जनजातीय संग्रहालय तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि आपको जनजातीय संग्रहालय कहाँ है लाहौल स्पीति के केलांग में है ठीक है लाहौल स्पीति के केलांग में है और इसकी स्थापना जो है 2006 में की गई थी ठीक है नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी देखिए हमने पढ़ी नगर आर्ट गैलरी ठीक है नगर आर्ट गैलरी जिसको रोरिक आर्ट गैलरी के नाम से जाना गया ठीक है रोरिक के नाम से जाना गया और दूसरा हमने यहां पर पढ़ा अंद्रेटा आर्ट गैलरी जिसको शोभा सिंह संग्रहालय के नाम से जाना गया ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ठीक है और अंद्रेटा आर्ट गैलरी को जो है 2010, uh, 2010 में क्या किया गया था इसको अंद्रेटा आर्ट गैलरी को जो है संग्रहालय में सॉरी uh, 2012 में अंद्रेटा आर्ट गैलरी को अंद्रेटा कला संग्रहालय में बदला गया था तो आज की वीडियो में इतना ही ये हमारे हिमाचल प्रदेश की जो संग्रहालय हमने आज किए धन्यवाद